एक और खबर आपको दें कि आईएमएफ की एक और शर्त, अवाम पर गैस बम गिराने की तैयारी। सुई सदरन की 391 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त। मकामी गैस में 98 अरब का शॉर्ट फॉल मौजूद है। मलिक सईद से मजीद बात करते हैं। जी मलिक, आगाह कीजिए। महंगाई से सताई आवाम के लिए एक और बुरी है कि सुई सदरन ने गैस के तरफ में इजाफे की जो समरी दरखास्त है वो ओग्रा में जमा करवा दी है। सुई सदरन की जाने से तकरीबन 434 रुपए MMBTU जो है वो इजाफे की दरख्वास्त दी गई है। जो दरख्वास्त है उसमें ये कहा गया कि मकामी गैस में 98 अरब रुपए का शॉर्ट फॉल है, जिसके जो है वो टैरफ में इजाफा कीजिए और 98 अरब के शॉर्ट फॉल को दूर करने के लिए 391 रुपए MMBTU जो है वो इजाफे की दरख्वास्त दी गई है। इसी तरह LPG एयर मिक्स के हवाले से 2 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है, जिसके लिए 11 रुपए 19 पैसे इजाफा मांगा गया है। इसी तरह RLNG की बात में 15 अरब रुपए का इजाफा जो है वो उन्होंने कहा कि हमें दीजिए, जिसके लिए 32 रुपए और 62 पैसे का इजाफा मांगा गया है। जी ठीक है मलिक, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। उफ, क्या जुल्म है, बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल, शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जेक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था, एग्जेक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी, आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है, चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म, बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।